धार जिला कलेक्टर श्री पंकज जैन द्वारा भोज चिकित्सालय के ट्रॉमा सेंटर पर ओपीडी, एक्सरे विभाग, महिला ओपीडी, प्रसव कक्ष, एक्सरे रूम, सीजर रूम, रिकवरी रूम, महिला प्रसव कक्ष, जच्चा वार्ड का निरीक्षण किया गया। इस दौरान कलेक्टर श्री पंकज जैन द्वारा सफाई को लेकर हिदायत दी गई। इस अवसर पर जिगी जिला चिकित्सालय के स्टाफ में महिला ओपीडी इंचार्ज यास्मीन पठान, डॉक्टर मधुबाला चौहान, स्थापना सरेखा सैंडल, डॉक्टर भावना बघेल उपस्थित रहीं। डॉक्टर नंदिता निगम द्वारा कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन को सभी वार्ड का निरीक्षण कराया गया, जानकारियों से अवगत कराया। निरीक्षण उपरांत कलेक्टर पंकज जैन द्वारा निर्देश दिए गए कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें, ओपीडी में फेरबदल कर स्टोर रूम की व्यवस्था को भी व्यवस्थित किया जाए ताकि महिलाओं के लिए एक रूम में और पलंग की व्यवस्था हो सके। कलेक्टर महोदय द्वारा आज ओपीडी का निरीक्षण किया गया था जी। कुछ दिन पूर्व ओपीडी के बारे में जो भीड़ थी जी, उसके बारे में कुछ समाचार पत्र में प्रकाश की गई थी खबर जी कि मरीजों की संख्या ज़्यादा है, ओपीडी में स्पेस कम है जी। तो उसका एक वेरिफिकेशन जैसा सर ने आकर ओपीडी का निरीक्षण किया जी, उसमें उन्होंने देखा हर जगह 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 हर फैकल्टी के हिसाब से जो भी ओपीडी है उनका निरीक्षण करते हुए जी, उनके द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं, उसमें कुछ व्यवस्थाएं बदलने की भी बात करी है। कुछ निर्देश तो, में कुछ विशेष सर एक सिस्टमेटिक तरीके से उनको चैनलाइज करने की बात करी। कुछ कमरे थे जहाँ पर कि कुछ स्टोर टाइप सामान भरा हुआ था जी, उसको उन्होंने निर्देश दिए कि उनको अपन व्यवस्थित रूप से अलग कर लें और इसमें अपन और ओपीडी के रूम कक्ष बना सकते हैं जी। इस तरह से उन्होंने पूरा देखा, गायनी का सेक्शन पूरा देखा और साफ सफाई निरीक्षण किया जी, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें चल रही है जी। तो उसमें ऐसे कुछ बहुत सारी चीज़ें वो कुछ अनियमितता जैसी चीज़ें तो नहीं पाई गई, लेकिन उनके द्वारा जो हमें सुझाव दिए गए हैं जी, उनके ऊपर हम लोग वर्क करेंगे। ओके।